आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप फ्यूचर में आने वाली सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2018-19 की नोटिफिकेशन के बारे में। जो सभी कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यूपी पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के करंट वैकेंसीज होमगार्ड के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लास्ट डेट से पहले। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और आप इसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2018-19 की नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। इस नोटिफिकेशन में टोटल 19,000 वैकेंट सीट्स हैं। जो सभी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इसके लास्ट डेट से पहले इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूपी पुलिस होमगार्ड एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस इमेज पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। डीजी होमगार्ड जीएल मीना ने कहा कि आज प्रदेश भर में लगभग 90,000 होमगार्ड्स ड्यूटी पर तैनात है। शासन की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जल्द ही और 19,000 होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। गुरुवार को होमगार्ड्स मुख्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री मीना ने कहा कि स्थापना वर्ष 1963 में 2,000 होमगार्ड्स थे। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 12,000 होमगार्ड्स और राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3,000 होमगार्ड्स की तैनाती की गई। कुंभ मेले में 10,000 होमगार्ड्स ड्यूटी करेंगे। समारोह स्थल की उच्च कोटि की साज सज्जा के लिए कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुरस्कार देने की घोषणा भी की। डीजी ने कहा कि ड्यूटी पर दिव्यांत हुए 37 जवानों को 5-5 लाख रुपये बीमा राशि दी गई। यह राशि 54 जवानों को भी जल्द दी जाएगी। इसी प्रकार 35 मृतक होमगार्ड्स को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 42 होमगार्ड्स को 3.81 लाख की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 19 मेधावी पुत्रियों को कुल 1.62 लाख रुपए की छात्रवृत्ति एवं 4 को दाह संस्कार के लिए 12,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। जो सभी कैंडिडेट्स यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के पास 10th क्लास पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के साथ। और इसमें अप्लाइड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एज लिमिटेशन 18 से 25 ईयर्स तक होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एज रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तय करी जाएगी। यूपी पुलिस होमगार्ड के रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस पर करवाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज पे द टेस्ट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, सेकंड स्टेज पे द टेस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और थर्ड स्टेज में कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। जो सभी कैंडिडेट्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी कैंडिडेट्स के पार्टिसिपेशन फीस 100 रुपीज़ है। यूपी पुलिस होमगार्ड एप्लीकेशन के फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upipolice.gov.in पर विजिट करना होगा। इनके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर दिए हुए न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे दी हुई आप इनके इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एडवर्टाइज PDF लिंक पर क्लिक करके आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को चेक करके वहाँ पे दिए हुए अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट के लास्ट में भी आपको एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाया है। आप इस लिंक पर जाकर इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करके इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।